Assalamu Alaikum dear students, hope you will be fine by the grace of Almighty. Let's start our science class. Today it's chapter number two Use of Plants. So in the previous lesson we have read about types of plants, plant parts, their food, their lifespan and life cycle. Now we'll discuss uses of plants. तो आपको पता होगा कि प्लांट जो है इनका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हमारी लाइफ में होता है जैसे कि वी गेट सो मेनी फूड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स वी गेट मेडिसन फ्रॉम प्लांट्स वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स एटसेट्रा नाउ आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड स्टेट विच पॉट ऑफ द प्लांट्स कैन बी ईटन The importance of plants for living things and you should identify parts of certain plants that we eat as food. So identify karnicha plants kaam khate hekunsa plant part eat as food. Part, plant parts from which we get useful things such as sugar, paper, wood and medicines. तो हम प्लांट पार्ट्स ऐसे देखेंगे जो हम मतलब जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है तो जो हमें बहुत फायदेमंद चीजें देते हैं जैसे कि शुगर देते हैं पेपर देते हैं वुड देते हैं मेडिसिन देते हैं तो हम ये वन बाय वन सारे स्टेप्स पढ़ेंगे इस लेसन में तो मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स जैसे कि आपको मैंने अभी भी बोला कि बहुत सारा खाना जो हम दिन भर खाते हैं उसमें से ज्यादा जो uh, ज्यादा खाना कहां से आता है प्लांट से ही आता है सो द रेड ब्लो एंड राइट योर आंसर इन द ब्लैक्स तो यहां पे क्या है इट्स एन ऑरेंज वेजिटेबल दैट ग्रोस अंडर द ग्राउंड इट इज द रूट ऑफ अ प्लांट तो एक वेजिटेबल है जो कि जमीन में उगता है मतलब जो कि अंडरग्राउंड होता है इसका हम रूट पार्ट खाते हैं रूट ही डेवलप होता है इस एज वेजिटेबल जो कि हम खाते हैं तो ये कौन है इट्स कैरेट ऑरेंज कलर का होता है इट्स बिग ग्रीन बॉल मेड ऑफ मैनी मैनी लीव्स इट इज वेजिटेबल तो एक ग्रीन uh, बॉल जैसा दिखाई देता है हमें इसपे लीव्स होते हैं बहुत ज्यादा तो एक दूसरे के ऊपर लीफ होता है दुसरे, एक दूसरे के ऊपर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कैबेज उसके बाद नंबर थर्ड दे आर स्मॉल ग्रीन बॉल्स ये छोटे छोटे बाल्स होते हैं ग्रीन कलर के ग्रोइंग इन पंचेस ऑन क्लाइंबर्स ये क्लाइंबर्स पे निकलते हैं तो ये मतलब बहुत सारे एक ही शाख पे होते हैं दे आर टेस्टी फ्रूट्स बहुत ही मजेदार फ्रूट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम ग्रेप्स वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स फ्राम प्लांट्स तो हम बहुत ज्यादा मतलब सारे फ्रूट्स खाते हैं फ्रूट्स हमें मिलते हैं प्लांट से वेजिटेबल मिलते हैं प्लांट से और बाकी फायदेमंद चीजें भी मिलते हैं लेट्स लर्न मोर अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट्स तो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत सारी यूजेस ऑफ प्लांट्स के तो so, पहला पॉइंट क्या है फूड फ्रॉम प्लांट्स प्लांट से हम फूड हासिल करते हैं तो वही हम पहले पढ़ेंगे इसमें वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स पार्ट सर्टन प्लाट्स और ईटन एज फूड तो प्लांट के कई पार्ट ऐसे होते हैं जो हम एज फूड यूज करते हैं वी ऑल्सो यूज पार्टस ऑफ सम प्लांट्स टू मेक डिफरेंट फूड आइटम्स तो हम क्या करते हैं हम आ, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूज करते हैं फूड बनाने में राइट तो प्लांट पार्ट्स दैट वी ईट प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं जो कि हम खाते हैं ए प्लांट हैज रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये प्लांट पार्ट्स है दीज आर द प्लांट पार्ट्स लेट्स लर्न हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज फूड अब हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलि हिस्से हम एज फूड यूज करते हैं पहले देखेगी हम रूट जो खाते हैं किसी कई प्लांट्स का हम रूट खाते हैं जैसे कि दरी ठीक थिक रूट ऑफ सम प्लांट्स और एडिबल किसी कई प्लांट्स के रूट्स होते हैं मोटे और वही एडिबल होते हैं जैसे कि कैरेट है टर्निप है कैरेट गाजर को बोलते हैं टर्निप शलगम को बोलते हैं या रेडिश है एंड बीट रूट तो ये ऐसे वेजिटेबल्स है ये ऐसे प्लांट्स है जिनका हम रूट खाते हैं कैरेट इज ए रूट आर द रूट्स दैट वी ईट ये सारे रूट्स है कैरेट भी टर्निप भी रेड भी, भी बीट रूट भी दीज आर द रूट्स दैट वी ईट तो कई प्लांट्स का हम स्टेम खाते हैं द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल तो कई प्लांट्स का स्टेम एडिबल होता है शुगर के नैंड पोटेटो और स्टेम्स दैट वी ईट तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब स्टेम एडिबल होता है जैसे कि यहाँ पे शुगर केन है इसका स्टेम एडिबल होता है इससे शुगर निकलता है और जिंजर है या पोटेटो है दीज आर द दैट वी ईट बट सम ग्रो अंडरग्राउंड टू आधे ऐसे स्टेम्स होते हैं जो जमीन के नीचे उगते हैं ये ये जो ये वाला स्टेम है इट ग्रोज अबो द ग्राउंड बट आधे स्टेम्स ऐसे है दैट ग्रोज अंडरग्राउंड जैसे कि पोटैटो है या जिंजर है ये जमीन के नीचे ही है उगते हैं फिर भी इनको स्टेम बोलते हैं क्योंकि इनका फंक्शन है सेम एज सिटम तो इनका ये स्टेम पार्ट जो होता है दिस इज एडेबल अंडरग्राउंड सिटम अंडरग्राउंड सिटम है और एडेबल है मतलब दिस इज एबल टू ईट तो उसके बाद लीफ कई प्लांट्स का लीफ एडिबल uh, होता है लीफ खाते हैं हम उसका जैसे द ऑफ सम प्लांट्स और एडिबल स्पेनिश लेटूस स्पेनिश बोलते हैं पालक को लेटूस बोलते हैं साग को एंड कैबेज और लीव्स दैट वी ईट पे आप देख सकते हैं कैबेज भी है यहाँ पे प्रेजेंट या यहाँ पे स्पेनिश है पालक जिसको बोलते हैं तो ये दोनों क्या है लीव्स इनका जो लीफ होता है वही एडिबल होता है तो ये जो कि हम खाते हैं जिस एडिबल पार्ट लीफ अनदर वन इज फ्लावर्स आदि प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्लावर एडिबल होता है जैसा लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकुल ब्रोकुल आप यहाँ पे देख सकते हैं तो और कॉलीफ्लावर मीन इज फुल जो हम खाते हैं या ब्रोकुल है यहाँ पे ये भी बाजार में मिलता है ये भी खाते हैं बट दिस इज अ फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट दिस इज ऑल्सो अ फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस आर एडिबल वी ईट दैम तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट कई प्लांट्स का फ्रूट एडेबल होता है जैसे मैंगो ऑरेंज पियर बनाना एवरी फ्रूट वट एवर यू ईटन दैट इज अ फ्रूट एंड दैट इज एडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट जो कोई भी फ्रूट आप खाते हैं दैट इज फ्रूट बट इट कम्स फ्रॉम अ प्लांट तो सीड्स भी कई uh, प्लांट्स का हम खाते हैं जैसे कि the seeds of some plants are edible Like rice that is a seed wheat that is a seed kidney bean and uh, chickpeas uh, jisko bolte these are seeds that we eat hope you might have understood uh, that uh, which parts of the different uh, plants are edible and you have got that uh, food from plants we eat um or either roots either stem either, either leaf either seed or either fruit thank you